हेलो हाय जय श्री कृष्ण, मैं हर्षिता आप सभी का हर्षिता हरीश की रसोई में स्वागत करती हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन, आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे एक ऐसा प्रेम बांटने का त्यौहार है, इसको त्यौहार क्या बोले, एक सेलिब्रेशन डे है जिसमें आप वैलेंटाइन, आपका कोई भी हो सकता है, आपका मम्मी पापा भाई, एक कोई खास दोस्त, आपका पति, आपके फियांसे, जो भी हो, वैलेंटाइन आप सबके साथ, जिसके साथ आप प्रेम करते हैं वो आपका वैलेंटाइन है। तो आज मेरी वाइफ एक वैलेंटाइन के लिए स्पेशल डिश लेके आई है, उसको हमने नाम दिया है लव बाइट। वैलेंटाइन डे स्पेशल लव बाइट, जिसको हार्ट कुकीज, लव बाइट हार्ट कुकीज, एक बहुत ही प्यारी रस भरी डिश है। और आप उसको देखिए कैसे बनती है, और अपने जो भी चाहने वाले हैं, जो जिससे हम प्यार करते हैं, जो अपने बिल्कुल खास हैं, उनको ये लव बाइट, ये हार्ट कुकीज जरूर टेस्ट कराएं, बहुत मजा आने वाला है। अब आप लोग एंजॉय करें कैसे बनती है। चलिए मैं बताती हूँ लव बाइट हार्ट कुकीज के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। उसके लिए हमें लिए चाहिए 250 ग्राम मैदा लिया है मैंने, ये मैंने शक्कर की चाशनी बना के रखी है। एक कटोरी हमें वो लगेगी, रेड कलर का फूड कलर लिया है, बेकिंग पाउडर लगेगा थोड़ा सा, और शुद्ध देसी घी लगेगा। अब देखिए इसका मेजरमेंट, मतलब कैसे हम इसको तैयार करते हैं। एक बाउल में हमने ये मैदा डाल दिया, जो रेड कलर का फूड कलर है इसमें हमने ये 2 ड्रॉप चाशनी में डाल दिए, और इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इधर हम मैदे में थोड़ा सा ये 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डालेंगे। इस चाशनी से हमें इस मैदे को लगाना है। देखिए ये पूरा रेड कलर हो गया, बिल्कुल मीठी मीठी बनेगी हमारी बाइट। अब मैं इससे इसको लगाऊंगी। इसमें हमें 2 चम्मच घी का मोन भी डालना है। 250 ग्राम पे मैंने ये 2 टीस्पून घी का मोन डाला है, और इस चाशनी से हम इसको मैदे को लगाएंगे। ऐसे हम ये मैदे को लगा रहे हैं, हमें मीडियम लगाना, ना ज़्यादा टाइट लगाना है ना लूज़ लगाना है। देखिए मैंने लगाया, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, हल्का सा घी का इसका मोन डाल के अब इसको थोड़ी देर हम 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। देखिए 2 गोले बना लिए हमने, अब इसको हमें बेलना है। ज़्यादा मोटा नहीं ना ज़्यादा पतला, मीडियम हम इसको बेलेंगे। अब देखिए मैंने मीडियम बेल लिया। ये हार्ट शेप का मेरे पास कटर है, इससे हार्ट शेप ये कटिंग करके निकाल लिया। अब जैसे मैंने टिप्स में बताया था, इसको 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए खुला इसको छोड़ देंगे, तो हमें डीप फ्राई होने में काफ़ी अच्छे रहेंगे। देखिए ये कटर से मैंने कट कर दिया ये हार्ट शेप के, ऐसे निकाल लिया पूरा। और ये पेपर है नैपकिन पे, हमने इसको रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया, थोड़े से सूख जाएंगे, इसके बाद में हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने इन्हें 10 मिनट रेस्ट के लिए रखा था। आप फैन चालू करके भी रख सकते हैं, थोड़े से फर्के हो जाएंगे, तो ज़्यादा ऑयल नहीं पीते हैं ये। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। देखिए हमारा मीडियम तेल गर्म है, ऐसे ही इसमें हमें फ्राई करना है, ज़्यादा आपको तेज नहीं करना, ना सिम, मीडियम आंच में ही इन्हें हमें फ्राई करना है। देखिए ये सारे डाल दीजिए। देखिए मैंने फ्राई कर लिए, उसके बाद जो हमारे पास चाशनी थी उसी में ये और डिप कर दिए, और ये बिल्कुल रस भरे टेस्टी स्वादिष्ट आज की हमारी डिश रेडी है। देखिए हमारी लो वाइट हार्ड कुकीज़ रेडी है। आप अगर किसी भी गेस्ट को अपने जो जिससे आप चाहते हैं, आप उन्हें ऐसे रेडी करके दीजिए, बिल्कुल रस भरी और स्वादिष्ट टेस्टी ये आज की हमारी डिश रेडी है। बाकी अब आपको सर टेस्ट करके बताएंगे। देखिए रस भरी, बिल्कुल स्वादिष्ट रस भरी लव बाइट हार्ट कुकीज, बिल्कुल दिल का शेप है, प्यारा सा शानदार सा, बिल्कुल आप देखिए, और बिल्कुल रस तो ऐसा आ रहा है बिल्कुल गजब का, बहुत ही शानदार है, बिल्कुल गर्मा गर्म कुकीज, रस भरी कुकीज आप भी घर पे बनाइए। मतलब मैं तो आप हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, आप सभी को वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत बधाइयां। और आप भी ऐसे ही घर पे बिल्कुल रस भरे प्यार के साथ एक दूसरे के साथ, जिसे आप बिल्कुल दिल से चाहते हैं, उनके लिए बनाइए, उन्हें खिलाइए, और बिल्कुल शानदार आनंद। हैप्पी वैलेंटाइन डे, जय श्री कृष्ण।